सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सभी आप लोग को मैं नमस्कार। तो आज फिर मैं आप लोग के लिए अपनी वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो है विकास नगर डाक पत्थर की, और काफ़ी अच्छी और सुंदर जगह है। यहाँ पर बहुत से लोग घूमने के लिए जाते हैं, और एक ये टूरिस्ट स्थल भी है। गाइस, आप लोगों को बता दें कि एक डैम भी है यहाँ पर। काफ़ी भारी मात्रा में पानी रोककर इस डैम को बनाया गया है, और यहाँ पर बिजली उत्पाद की जाती है 110 मेगावाट। और गाइस, आप लोग को बता दें कि यहाँ पर एक कभी एक पार्क हुआ करता था बच्चों के खेलने के लिए, जो अब नहीं है। वहाँ पर एक जंगल बन चुका है, और इसके जो सभी जानवर हैं उन लोगों को मालछ डियर पार्क में भेज दिया गया है। सो गाइस, आप लोगों को जगह काफ़ी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। सो गाइस, फिर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस, आज हम आए हैं डाक पत्थर, और आज आप लोगों को यहीं की वीडियो दिखाई जाएगी। गाइस, आप लोगों को बता दें कि ये बहुत ही अच्छे और टूरिस्ट पैलेस भी कहा जाता है इसको, और यहाँ पर काफ़ी लोग भी आते हैं। और आप देख ही सकते हैं गाइस कि कितना शुद्ध और वातावरण है यहाँ का, और साफ़ सुथरा एकदम, और आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, ये है शक्ति नदी, और इस नदी को शक्ति नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जगह है डाक पत्थर, वेराज कहा जाता है इस जगह को, और ये विकास नगर साइड में पड़ता है। काफ़ी भारी मात्रा में इस पानी को रोककर इस डैम को बनाया गया है, आप देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पर चेतावनी भी दी जाती है, वो डूब भी सकता है इस नदी में। सो गाइस, आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पानी रोका गया है, पहाड़ियों के बीच में इस डैम को बनाया गया है। बहुत ही अच्छा और सुंदर डैम है ये गाइस। इस डैम को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में पानी को रोककर इस डैम को बनाया गया है, और सुंदर लग रहा है पहाड़ियों के बीच में, आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छी जगह है। गाइस, आप लोगों को बता देते हैं कि उत्तराखंड में ज़्यादातर जैसे बड़े बड़े डैम बनते हैं, यहाँ पर बिजली उत्पाद होता है, और सबसे ज़्यादा बिजली उत्पाद उत्तराखंड में होता है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 600 से 700 ऐसे डैम बने हैं जो बिजली उत्पाद के लिए बनाए गए हैं, देख सकते हैं गाइस आप लोग। और फिर भी उत्तराखंड में बिजली बहुत महंगी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा डैम है ये। सो गाइस, आप लोगों को बता देते हैं कि उत्तराखंड में एक और डैम है, उस डैम को टी डैम कहा जाता है, और वह विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। उस डैम को भी गाइस ऐसे ही काफ़ी पानी, भारी मात्रा में पानी रोककर बनाया गया है, और उससे भी उत्तराखंड में काफ़ी बिजली उत्पाद की जाती है। और गाइस, आप देख सकते हैं कि इस डाक पत्थर डैम को भी ऐसे ही बनाया गया है, भारी मात्रा में पानी रोककर, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी झील है ये, और इससे भी बिजली उत्पाद की जाती है, देख सकते हैं गाइस। सो गाइस, ये है सोलर पैनल, और काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं ये सोलर पैनल, आप देख सकते हैं। और गाइस, इनके ज़रिए काफ़ी बड़ा बिजनेस भी होता है, आप अपने घरों पे भी लगा सकते हैं इसको, सरकार से भी अनुमति है इसकी, और बैंक वाले इसके लिए आप लोगों को लोन भी दे सकते हैं। और ये काफ़ी मात्रा में आप लोगों को बता दी, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे ज़िलों में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं ये। और जब से भारत सरकार ने इस चीज़ को लागू किया है, और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, और इससे आप लोग बिजनेस भी कर सकते हैं घर बैठे, आप देख सकते हैं गाइस। जैसे कि आप लोगों के पास अगर इसको लगाने के लिए पैसा नहीं हो, तो सरकार ने इसके लिए एक सुविधा भी कर रखी है, आप बैंकों से लोन भी ले सकते हैं, सौर ऊर्जा लोन की सुविधा करी है गवर्नमेंट ने, काफ़ी बड़ी संख्या में लगाया गया है इसको, और इसके लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह पर इसको लगा रखा है। सो गाइस, ये आप देख रहे हो सामने जो पहाड़ी, लंबी सी पहाड़ी है एक बड़ी बड़ी, तो ये बढ़ती है हिमाचल में, और यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से प्रारंभ होता है पोंटा साहिब की सीमा, यानी हिमाचल की सीमा, आप देख सकते हैं।
और इस साइड में अगर हम जाए थोड़ा सा आगे तो यहाँ से उत्तराखंड की सीमा शुरू होती है, डाक पत्थर आप देख सकते हैं गाइस, और यहाँ पर भी लिखा भी है आप देख सकते हो। सो गाइस आप लोग को एक ख़ास और बात बता देते हैं हम कि यहाँ पर फ़ोटो खींचना सख्त मना है और वीडियो बनाना भी सख्त मना है। गाइस आप लोगों को बता दें कि हम इस जगह पे आज से 10-12 साल पहले कभी आए थे स्कूल टाइम पर, जब बच्चों का पिकनिक डे होता था और हम लोग पिकनिक मनाने यहाँ पर आए थे। पहली बार हमने ये डैम देखा था तो हमारी दोबारा फिर इच्छा हुई यहाँ पर आने की और हम लोग यहाँ पर आए हैं आज। गाइस हमें स्कूल की तरफ से यहाँ पर लाया गया था, उस वक्त हम 9वीं क्लास में थे तो हम टीचरों के साथ यहाँ पर आए थे और काफ़ी इन्जॉय किया था हम लोगों ने। ये हमें जगह काफ़ी पसंद आई थी और आप लोगों को भी पसंद आएगी ये जगह, आप देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें गाइस, कभी जैसे आप लोग लेट सवेर हो जाए तो यहाँ पर रहने के लिए भी गेस्ट हाउस बने हैं, आप लोग यहाँ पर रुक भी सकते हैं रात को, जैसे कि टूरिस्ट स्थल है और यहाँ पर आप लोग आए हो घूमने के लिए और रात बिरात हो जाए आप लोग तो आप लोग यहाँ पर ठहर भी सकते हैं और यहाँ पर होटल भी बने हैं गेस्ट हाउस। सो गाइस आप देख सकते हैं ये जो नदी बह रही है इसमें यहाँ पर ये डाक पत्थर की है और काफ़ी सुंदर जगह है ये और शांत जगह है, आप देख सकते हैं पहाड़ियों की वादियाँ काफ़ी सुंदर है यहाँ पर, आप देख सकते हो गाइस। और एक चीज़ और बताए थे आप लोगों को, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कि किड्स जोन भी है और 5 रुपये एंट्री है उसकी अंदर से, काफ़ी सुंदर जगह है गाइस ये, आप लोग यहाँ पर आओगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा यहाँ पर आकर, एकदम शांत जगह है, शुद्ध वातावरण और ठंडी हवा चल रही है बाकायदा यहाँ। सो गाइस आज हम आए हैं पार्क में और ये डाक पत्थर का पार्क है छोटे बच्चों के लिए, किड्स पार्क आप देख सकते हैं। ऐसे गाइस आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हो तो जैसे तुम्हारे साथ में बच्चे हो तो आप लोग यहाँ पर इस पार्क में भी आ सकते हैं, किड्स जोन बना हुआ है बच्चों को खेलने के लिए, छोटे बच्चों को खेलने के लिए ट्रेन, काफ़ी बड़ा पार्क है और सुंदर पार्क है, बहुत ही सुंदर पार्क है ये आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी लोग यहाँ पर आ रखे हैं घूमने के लिए। सो गाइस इस पार्क के अंदर ये बरगद का काफ़ी बड़ा पेड़ है आप देख सकते हैं, और ऐसे बरगद के पेड़ काफ़ी लंबे टाइम बाद दिखने को मिलता है आप देख सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा और खूबसूरत नज़ारा है, एकदम शांत आप देख सकते हैं गाइस, चारों तरफ आप लोगों को पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई देगी आप देख सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं इस नदी से काफ़ी मात्रा में खनन हो रहा है रोड की, जो बजरी उसकी करके दिखा दिया जाएगा, देखते हैं आप लोग। सो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में पानी को रोककर इस डैम को बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नदी सूखी पड़ी है और काफ़ी पानी भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं गाइस आप लोग काफ़ी बड़ा डैम है ये, और ये जो ग्रिल है इनको तोड़कर नया बनाया जा रहा है आप देख सकते हैं।